नंबर 16.4 सवाल नंबर एक देखो, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होती है त्रिज्या की, जो इसमें दे रखी है। आपको सूत्र याद होने चाहिए, बाकी इजी है। सबसे पहले तो ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ किसके बराबर होता है? चार वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, बताए ना। क्या लिखोगे सूत्र? 4πr² चार का तो 4, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 4.14 1.4 × 1.4 बास दो 0.2 बार, ये तो हो गया 88 × 14 मतलब 4 को 22 से गुणा करें 28 हो गया। दोनों गुणा करो 28 हो गया ना, कितना है 0.28। 14 × 28 और 1 × 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना हो गया 0.28। गुणा करना है 88 × 0.28 क्या आ जाएगा? 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल गुणा करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन बताओ क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 πr² मतलब जब मतलब बेलन में गोले की चीज डालते हैं तो कितना पड़ता है? 2/4 पड़ता है, और उसकी ऊंचाई की जगह क्या आती है? त्रिज्या। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³, ठीक है ना। 4/3 × 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 1.4 × 1.4 × 1.4 7 से कट गया 0.2 बार। अब गुणा करना है 4 × 22 × 1.4 × 1.4 1.4 ये तो गुणा हो गया कितना? 88 × ये कितना हो गया 0.28 इसको इससे, और ये कितना हो गया 1. और बटन में कितना है? 3। 3 का भाग 28 में जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा। अब गुणा कर लो 88 × 0.28 × 1.4 गुणा करोगे तो आएगा 344.96, और इसमें भाग किसका देना है? 5 × 3 बराबर आ जाएगा 114.98 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग 115 आ जाएगा। जोड़ बाकी करना है, सिंपल आया समझे। अब ये वाला, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता है? त्रिज्या की आवश्यकता है। त्रिज्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या निकालेंगे किससे? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। देखो सबसे पहले तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो दे रखा है कितना? 616। सूत्र क्या होता है? 4πr² 616। 4 का तो 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या तो करनी है 11 बराबर 616। अब आर ज्ञात करना है, गुणा वाले तो भाग में और भाग वाले गुणा में। आर स्क्वायर करना है ज्ञात, 616 इंटू ऊपर कितना चल जाएगा? 7/ कितना आ जाएगा? 22 × 4 22 का भाग दोगे 616 में तो ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 8 बार, 28 बार, और 4 का भाग दोगे इसमें कितनी बार? 7 बार, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 7 कितनी बार है? 2 बार है। 7 की घात कितनी? 2। 7 से घात कैंसिल, आर बराबर कितनी आ गई? 7। त्रिज्या आ गई। अब ज्ञात करेंगे हम आयतन। सूत्र क्या है बताओ? हम ज्ञात करेंगे आयतन, कितना है?
चार बटा तीन पाई आर क्यूब, चार बटा तीन का चार बटा तीन, पाई का मान पाई बटा त्रिज्या कितनी है सात, कितनी बार सात इंटू सात इंटू सात से सात कैंसिल, अब ये तो गया 22 को 4 से किया तो 88 और 7 दूं सा था 49 बटा कितना 3, तो 88 इंटू 49 बराबर आ गया आपके 43 12, और इसमें बाद किसका देना है 3 का, 5 3 बराबर आ जाएगा आपके 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। आपके सवाल में पॉइंट यहाँ लगाना है, पहले यहाँ लगाना है तो ये 11.5 उत्तर आएगा इसका। सवाल नंबर 3, एक अर्ध गोला दे रखा है, अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 है और ज्ञात करना है एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। केवल किताब में पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखा हुआ है, गोले में दो होते हैं, एक तो वक्र होता है और एक संपूर्ण होता है, यहाँ आकर्षण कर लेना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्ध गोला है तो सूत्र बताए हुए, देखो सबसे पहले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सूत्र क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे बताया था ऐसा होता है, अर्ध गोला ऐसा होता है, ऐसा दो वर्त इसके और एक वर्त इसका, कितने होता है 3 वर्त थे, क्या लिखोगे बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 का तो 3 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 4.5 × 4.5, 3 से डिवाइड होती है क्या, नहीं पहले गुणा कर दो, ये 3 से गुणा करोगे तो हो गया 66, ये तो हो गया 66 × 4.5 को 4.5 से करोगे तो 20.25 डिवाइडेड बाय कितना 7, 66 × 20.25 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1336.5, भाग किसका देना है 7 का, भाजक 7, उत्तर आ जाएगा 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे 5 को 5 से गुणा किया 25 पॉइंट लग गया, और 4 को किससे गुणा करेंगे 5 से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण डायरेक्ट बना हुआ सिंपल। अब देखो अब इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन पता, आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयतन का क्या होता है उसका 4/3 होता है, इसका कितना हो जाएगा 2/3, पूरे गोले का 4/3 इसका 2/3, 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्यूब, 2 का तो 2/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 4.5 × 4.5 × 4.5, 3 से कट जाएगा 1.5 बार, और कट रहा है नहीं कट रहा है, गुणा कर लो तो ये तो हो गया 22 × 44 और इंटू 1.5, देखो 22 को इससे गुणा करो 44 का डेटा कितना हो गया 66, डेढ़ गुणा 44 का डेट 66 हो गया इंटू, अब यहाँ दोनों गुणा करो, अभी किया था कितना 20.25 और नीचे कितना है 7, देखो 66 × 20.25 गुणा किया कितना आया 1336.5/7 का भाग दिया कितना आया 190.92 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का एक ही आ रहा है, दोनों का देखो कैसे, यहाँ तो कितना है 3 और यहाँ पीछे क्या है आर स्क्वायर, यहाँ कितना है 2/3 और यहाँ पीछे कितना है आर क्यूब, यहाँ से हम एक आर कोटाएंगे ना 3 कट जाएगा, मतलब ये 2 कट जाएगा और वही बन जाएगा सूत्र 3 पाई, तो दोनों सेम है तो आपको जोड़ भाई गुणा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो अगला, एक गोले का आयतन दे रखा है कितना है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, आपको ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गोलों के बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, किसकी जरूरत है त्रिज्या की,
हम त्रिज्या निकालेंगे इससे आयतन से, त्रिज्या की आवश्यकता है त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले बताओ गोले क्या, गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 38,808। बताओ गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³ क्यूब होता है, स्क्वायर में होता है। बराबर कितना है 38,808, 4/3 का तो 4/3, पाई का मान 22/r³ करना है मुझे ज्ञात, बराबर कितना आ जाएगा 38,808। मान किसका ज्ञात करना है, आर क्यूब का, गुणा वाले तो बाग में और बाग वाले गुणा में। देखो ये तरह के आर क्यूब और इधर कितना 38,808 × 3 × 7 डिवाइडेड बाय नीचे जाएगा 4 × 22। अब 22 का भाग चल जाएगा 38,808, 22 का भाग 38,808 में भाग देना है किसका, 22 का, ये बार जाएगा 1764 बार, भाग दो कितनी बार गया 1764। अब 4 का भाग दो इसमें, फिर भाग देंगे किसका, 4 का, तो ये भाग जाएगा 441 बार, 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा 441। अब 441 पूरे गुणा करो, देखो आर क्यू बराबर 441 किसका वर्ग होता है, 441 किसका वर्ग होता है, 21 का होता है ना, 21 × 21 लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमें घर निकालना पड़ेगा, 3 है, 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, मतलब 21 × 21 करने पर कितना आता है 441, यहाँ 441 × 3 × 7 है, 441 को दो टुकड़ों में बांटा कितना हो गया 21 × 21, ये भी कितना हो गया 7 या 4 की घात 3 कितनी बार 21 3 बार, 21 की घात कितनी हो जाएगी 3, 3 × 3 × 10 आर का मान कितना आ गया, त्रिज्या आ गया 21, आर बराबर आ गया 21। आगे समझे, अब क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ सूत्र क्या है, कितने गोलों के बराबर होता है, 4 गोलों के बराबर, 4πr² 4 का तो 4, पाई का मान त्रिज्या कितनी आई 21 × 21, भाग दो कितनी बार 3 बार, अब गुणा करना है, ये तो गया 88 और ये कितना हो गया 63, 88 × 63, 88 × 63 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 55 = 44, ये दोनों गुणा करोगे 88 और ये दोनों गुणा करोगे 63 और दोनों को गुणा करोगे कितना जाएगा 55 = 44 cm². सवाल नंबर है 5। एक बेलन शीशे का बना हुआ है, एक बेलन है, ये बेलन और बेलन किसका बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या r बराबर तो कितनी है 4 सेमी और ऊंचाई है इसकी 10 सेमी। एक बेलन है जो 4 सेमी त्रिज्या का बना हुआ है और ऊंचाई कितनी है 10 सेमी। इस बेलन को पिघलाकर, कांच का है बेलन, शीशे का मतलब कांच का है, इसको पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, इसको पिघलाना है और पिघला के क्या बनाने हैं, ऐसे गोले बनाने हैं। तो आपको बताना है कि जो गोले है उसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेमी, गोलों की त्रिज्या है 2 सेमी, आपको बताना है कि इसको पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मैंने बताया था जब भी अगर किसी चीज को पिघलाया जाता है और उसे नई चीज बनाई जाती है तो हमेशा क्या पिघलता है, आयतन, क्या पिघलता है मतलब बेलन का आयतन बराबर क्या है, गोलों का आयतन, और हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले जब भी कोई चीज पिघलती है और उसे नई चीज पिघला बनानी होती है तो हमेशा क्या पिघलता है, आयतन, मतलब इसका आयतन और इन गोलों का आयतन क्या होगा बराबर। देखो सबसे पहले बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोलों का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब ये तो एक गोले का है, हमें तो गोलों की संख्या ज्ञात करनी है, इनटू क्या लिखते हैं पीछे, गोलों की
संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। बताओ बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्या है? अरे बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एस, पाई आर स्क्वायर एक्स, ये होता है बराबर गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है हो गया। और इनटू माना जी गोलों की संख्या कितनी है? एक्स मान लो, जो हमें ज्ञात करनी है। माने गोलों की संख्या कितनी है? एक्स। अब देखो जो सेम नंबर है उसको तो काट दो, देखो पाई से पाई एन से, अब दो दो त्रिज्या है, इसको मान लेंगे आर वन और इसको मान लेंगे आर टू, ये हो जाएगी आर वन और ये हो जाएगी आर टू, और नंबर सेम काटना है, ये पाई से पाई कट गया, दो त्रिज्या तो त्रिज्या दोनों क्या है? अलग अलग है, तो त्रिज्या नहीं कटेगी। आर वन कितनी है? 4, यहाँ कहेगा 4 × 4 इंटू ऊंचाई कितनी है? 10 बराबर 4/3 इंटू, अब त्रिज्या कितनी है? R2 दो है, कितनी बार? 3 बार, 2 × 2 × 2 और इंटू कितना? x, मान किसका ज्ञात करना है? x का, इधर ले आओ सबको, गुणा वाले तो भाग में और भाग वाले गुणा में, देखो इधर 4 × 4 × 10 ऊपर कितना आ जाएगा? 3 और नीचे ये सब 4 × 2 × 2 × 2 बराबर क्या है? x, 4 से 4 कैंसिल, 2 और 2 4 होते, ये 4 भी कैंसिल, और 2 से कितनी बार? 5 बार, 5 से कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? गोलों की संख्या कितने आ गई? कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 15 गोले बनाए जा सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, तो दोनों का आयतन बराबर करना है और बस ये लगाना है पीछे इनटू गोलों की संख्या, उसको कुछ भी मान लो x y z मर्जी है, जो आसानी से हो जाएगा, आगे समझे। अब ये वाला देखो इधर क्या है आपकी, इसमें एक खोखले सेल, एक खोखला गोल सेल, गोल सेल है जो कैसा है अंदर से? खोखला, खोखला मतलब ऐसा है, ये एक ही है और एक ही है और ये ऐसे खोखला है, अंदर से खोखला है मतलब ये वाला भाग ऐसे, जैसे ऐसे समझो ये गोला है और ये इसके अंदर और एक गोला है, तो ये वाला जो भाग है ये कैसा है? खोखला है। बाकी ये वाला भाग कैसा है? ठोस। ये वाला भाग कैसा है? ठोस है। इसकी बाहरी और ये जो गोल सेल 2 सेमी मोटा है, ये जो मोटाई है ना इसकी, ये वाली वो कितनी है? 2 सेमी। आगे कह रहा है यदि इसकी बाह्य त्रिज्या, ये इसका केंद्र है और बाह्य त्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या, ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें लगी धातु का क्या ज्ञात करना है? आयतन। कहाँ लग रही है धातु? ये यहाँ, लोहा पित्तल सोना चांदी जो भी है वो यहाँ लग रही है, इस जगह पे हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे बताओ? बड़े गोले के क्षेत्रफल में से छोटे गोले का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास किसका क्षेत्रफल? इसका धातु के आयतन का जो भी है वजन जो भी है आयतन आ जाएगा इसका, जैसे हमने कहा था ना वलयिका का क्षेत्रफल सेम फोटोकॉपी है, सूत्र चेंज है। अब देखो सबसे पहले तो बाह्य त्रिज्या, उसको बोलते हैं बड़ी त्रिज्या, उसे कहते हैं आर वन। बताओ आर वन तो कितनी है? 8 सेमी, ठीक है। अब छोटी त्रिज्या क्या नाम है? आर टू, पूरी 8 है और ये मोटाई कितनी है? 8 में 2 माइनस कर दो कितनी आ जाएगी? 6, पूरी तो 8 है और ये मोटाई 2 है, ये 2 कम कर दें कितनी रह जाएगी? 6। आर टू मतलब 8 − 2 बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है लगी धातु का आयतन, क्या ज्ञात करोगे? धातु का आयतन। क्या बताया? बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन माइनस कर देंगे तो आपके धातु का आयतन आ जाएगा। बताओ धातु का बड़े गोले के आयतन ज्ञात करने का सूत्र, आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, यहाँ क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर वन और यहाँ आर टू, बड़े वाले गोले में से माइनस कर देंगे छोटे वाले गोले का आयतन। दोनों में क्या कॉमन है? 4/3 कॉमन है, कॉमन ले लो।
चार बटा तीन पाई कॉमन है, क्या बच गया आर वन की घात तीन माइनस क्या बच गया आर टू की घात तीन आ गया। चार बटा तीन का तो चार बटा तीन, पाई का मान 22/7, आर वन कितनी है 8 का क्यूब माइनस या 6 का क्यूब, चार बटा तीन का चार बटा तीन, 22/7 का 22/7 इंटू अब यह जो 8 क्यूब कितना होता है 512, 8 को तीन बार गुणा करना है, 512 माइनस 6 का 216 माइनस करो 4/3 इंटू या गुणा करो पहले या फिर बाद में कर लेंगे भी कटेगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू घटाओ कितना आ गया 12 में 6 गया तो 6 और 10 में से 1 गया तो 9 और 4 में से 2 गया तो 296 भाग जा रहे हैं इसका तीन का भाग जा रहे हैं तो जोड़ भाग कर दो, सिंपल जोड़ भाग करना है, ये तो कितना हो गया 22 × 88 इंटू 22 × 88 और ये कितना हो गया 296/7 = 21 तो 88 इंटू 296 बराबर आ गया ये 260/48 बाद किसका देना है 21 का भाजक 21 तो ये आ जाएगा आपके 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया इसका, आ गया समझे नंबर 9-7 देखो इसमें लिखा है 9 सेमी धातु के गोले को पिघला कर, एक धातु का गोला है जो कितने सेमी का है 9 सेमी का, उसे 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, एक गोला है ये गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेमी, त्रिज्या दे रखी है ना त्रिज्या होनी चाहिए 9 सेमी त्रिज्या ही है, 9 सेमी त्रिज्या मतलब गोले की त्रिज्या कितनी है आर बराबर 9 सेमी, इसे पिघला कर क्या बनाए जा रहे हैं शंकु, इस गोले को पिघला जा रहा है और शंकु बनाया जा रहा है, ये शंकु अब शंकु कितने बनाए जा सकते हैं 1, 2, 3 कितने शंकु बनाए जा सकते हैं हमें ज्ञात करना है, शंकु की त्रिज्या कितनी है शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 3 और शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितनी है 6 ठीक है, हमें ज्ञात करना है कितने वही जब किसी चीज को पिघलाया जाता है तो क्या पिघलता है आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, तो क्या था सवाल सेम वैसा ही है, तो सबसे पहले तो देखो इसको पिघलाकर शंकु बनाए जा रहे तो क्या लिखोगे गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, कितने शंकु का एक का ही है इंटू हमें शंकु की संख्या ज्ञात करनी है तो पीछे क्या लिखेंगे शंकु की संख्या, अब देखो इधर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³ बराबर शंकु का आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 πr² और इंटू माना कि शंकु की संख्या कितनी है ठीक है, अब जो सेम नंबर मिल रहा हो काट दो, देखो त्रिज्या अलग अलग है ये हो जाएगी आर वन और ये हो जाएगी आर टू, त्रिज्या नहीं काटनी ये आर वन और ये आर टू, देखो पाई से पाई इसके नीचे कितना इसके नीचे भी कितना 3 × 3 कैंसिल, यहाँ तो क्या बचा है 4 इंटू आर का मान 9 × 9 × 9 तीन बार एक बराबर आर टू, आर का मान कितना है 3 × 3 कितनी बार है 2 बार 3 × 3 × ऊंचाई कितनी है 6 और इंटू कितना आ जाएगा x, हमें x का मान ज्ञात करना है गुणा में किसमें आ जाएंगे बाद में x बराबर मतलब ये तो ये बाद में आएंगे तो ये 4 × 9 × 9 × 9 बटा 3 × 3 × 6
तीन से तीन तीन नौ होता है, ये नौ फिनिश। दो से कट गया दो बार, दो से कट गया तीन बार, और तीन से कट गया तीन बार, नौ तीन सत्ताईस, सत्ताईस दूनी चौपन, तो एक्स बराबर कितना आ गया चौपन। कितने गोले हैं, कितने शंकु हैं, चौपन शंकु बनाए जा सकते हैं। आगे समझे, पहले दोनों का आयतन बराबर करो और गुणा में लिखो शंकुओं की संख्या, सूत्र लगाओ, मान को जोड़ भागी करो, सिंपल। अरे वो आठवा, दस सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से, एक धातु का गोला है, मान लो ये धातु का गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर है दस सेमी, ठीक है। त्रिज्या से समान त्रिज्या के आठ गोले बनाए जाते हैं, इससे समान त्रिज्या कितने गोले बनाए जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ गोले बनाए जाते हैं, मतलब गोलों की संख्या दे रखी है, गोलों की संख्या बताओ कितनी है, यह है आठ, आठ गोले बनाए जा रहे हैं। अगर इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये जो गोले बनेंगे ना इनका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या पृष्ठीय पृष्ठीय होता है गोले में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है, अब त्रिज्या इसी में से निकालनी पड़ेगी, इसी को पिघला कर वो बनाया जा रहा है, मतलब दोनों का आयतन क्या है बराबर, दोनों का आयतन क्या है बराबर। देखो इधर एक तो ये पूरा बड़ा गोला और एक वो छोटा गोला, दोनों का आयतन क्या है बराबर, बताओ गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चार बटा तीन पाई आर क्यू, क्यू भी आएगा और ये क्या हो जाएगा आर वन, इसकी त्रिज्या आर वन हो जाएगी और इसकी त्रिज्या आर टू, जो हम ज्ञात करेंगे यहाँ से, और इधर चार बटा तीन पाई आर, आर ही रहने दो क्योंकि त्रिज्या ज्ञात करने, तो आर ही रहने दो, और क्या हो जाएगी क्यू इंटू क्या हो जाएगी, गोलों की संख्या कितनी है आर, लिख लेना सूत्र, बड़े गोले का आयतन बराबर जो नए गोले बनेंगे उनका आयतन इंटू गोलों की संख्या, चार बटा तीन का चार बटा, ये जो देखो सेम हो काट दो, चार बटा तीन पाई से चार बटा तीन पाई कैंसिल, और तो कटने वाला है ही नहीं, आर की का तीन, आर कितना है दस है आर वन, तो कितनी बार दस इंटू दस इंटू दस, और उधर कितना है आर की घात कितनी है तीन इंटू कितना है आठ, अब ले आओ इधर भाग में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दस इंटू दस, ये ऐसे लिख लो पूरे गुणा करो तीनों, कितना हो जाएगा एक हजार बटा कितना जाएगा आठ बराबर, आर की घात कितनी आठ का भाग आठ एकम आठ, दो बज गया आठ दुनी सोलह और आठ पंजो चालीस, आर की घात कितनी तीन, आठ का भाग दो के एक हजार में कितनी बार जाएगा 125, और 125 किसका घनमूल होता है पांच को कितनी बार गुणा करेंगे तीन बार, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पांच की घात तीन बराबर आर की घात कितनी, क्योंकि पांच को तीन बार गुणा करने से कितना आता है 125, घात तीन से घात तीन कैंसिल, आर कितना आ गया आर आ गया पांच, मतलब छोटे जो गोले बनेंगे प्रत्येक गोला कितने से भी त्रिज्या का बनेगा पांच सेमी त्रिज्या का, अब छोटे गोले का क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब लगाओ सूत्र, सूत्र क्या है, छोटे मतलब जो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है सूत्र, चार पाई आर स्क्वायर, चार का तो चार, पाई का मान त्रिज्या कितनी है पांच इंटू पांच, अब गुणा करो ये तो हो गया 88 और ये हो गया 25 बटा 7, 88 इंटू 25 ये आ गया 2200 बटा 7 भाजक 7 314.28 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल है इसी के जैसा ही है, इसमें तो मैं शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी थी, मतलब गोलों की संख्या ज्ञात करनी थी, और उसमें क्या संख्या दे रखी है, क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या ज्ञात हो जाएगा क्षेत्रफल।